नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। करोड़ों देशवासियों को नए साल का तोहफा मिला है। शुक्रवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को आपात इस्तेमालों की मंजूरी दे दी है। अब ड्रग कंट्रोलर की सिफारिश भेजी गई है। 2 दिन में कमेटी की तीसरी बैठक हुई। बैठक के सामने भारत बायोटेक और फाइजर ने भी आवेदन किया था। अब आज सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। इस दौरान ट्रेनिंग ले चुके 96,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की तैयारी भी परखी जाएगी। तो चलिए, टीके का गलित आपको हम समझाते हैं। टीके की कीमत 220 रुपए प्रति डोज है। 130 करोड़ को टीका लगने पर 57,200 करोड़ रुपए खर्च सरकार पर आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत 700-800 रुपए है। एमपी, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान कर दिया गया है। तो पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसमें से 1 करोड़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे और 27 करोड़ 50 की उम्र से ज्यादा या कोरोना लक्षण वाले होंगे। तो टीकाकरण की तैयारियां हमारे देश में भी शुरू हो चुकी हैं और कोविशील्ड को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि अब डीसीजीआई को सिफारिश भेजी है, अब उसके आदेश का इंतजार है और इंतजार के बाद साफ हो जाएगा। अगर डीसीजीआई आदेश देता है तो इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा कोविशील्ड को और टीकाकरण की तैयारी भारत में शुरू हो चुकी है। ड्राई रन आज मध्य प्रदेश में भी होना है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज से वैक्सीन रिहर्सल शुरू हो रहा है। एमपी में कोविड-19 की वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम शुरू करने से पहले की तैयारियां चालू कर दी गई। इसके तहत अब आज से ड्राई रन होगा। राजधानी के 3 पॉइंट पर ड्राई रन होगा। इससे पहले देश के 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन 28-29 दिसंबर को हुआ था। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को वैक्सीन को लेकर ड्राई रन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों की राजधानी के कम से कम 3 पॉइंट पर ड्राई रन कराया जाएगा। राजधानी भोपाल के तयशुदा केंद्रों पर लोगों को इस वैक्सीन की डोज देने की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए वॉलंटियर्स को कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें मैसेज के जरिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए वक्त और जगह के बारे में बताया जाएगा। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में आज से मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और पैंथरा जिले में किए जाएंगे। पहले इसे 4 जनवरी से किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर इसे बदल दिया गया है। दरअसल 4 राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के सफल ट्रायल के बाद केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों की राजधानी में इसके ड्राई रन के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर जिले के साथ ही 6 दूसरे जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है। तो राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर में ड्राई रन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे और राजधानी रायपुर से हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। वासु, निश्चित तौर पर सबसे बड़े टीकाकरण की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर चुनौतियां काफी होंगी और इसी के लिए ड्राई रन शुरू किया गया है आज। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप राजधानी भोपाल में? बिल्कुल सुमित, देखिए वैक्सीनेशन की तैयारी मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही थी और अब ये कहा जा सकता है कि जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी मॉक ड्रिल ड्राई रन आज से शुरू हो रहा है। भोपाल में 3 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज, गोविंदपुरा स्थित आरोग्यम केंद्र और एक निजी अस्पताल में जो ड्राई रन कार्यक्रम रखा है वो शुरू होगा अब से कुछ ही देर बाद। मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो गोविंदपुरा स्थित आरोग्यम केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पूरे ड्राई रन का निरीक्षण करेंगे। और इससे पहले जो तमाम कर्मचारी हैं, जो कर्मचारियों का, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जो अमला है, जो फोर्स है, जैसे जिम्मेदारी दी गई है वैक्सीनेशन की, उनकी
ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं आज उनकी ट्रेनिंग को, उनके स्किल्स को भी इस दौरान परखा जाएगा। वैक्सीन का स्टोरेज किस तरीके से हो उस पर निगाहें होंगी और उस पर जो है वो पूरी रूपरेखा तैयार होने वाली है। सुमित, इसके अलावा जब पेशेंट एक वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचता है तो उसे किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, एक वैक्सीन लगने में कितना समय लगेगा, कितना व्यय होगा, ये तमाम मुद्दे होंगे जिन पर आज जो है पूरी रूपरेखा तैयार होगी। उनका मॉक ड्रिल करके पूर्ण रूप से उनका जायजा लिया जाएगा और अगर इसमें सफलता प्राप्त होती है तो फिर आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन का काम है वो स्मूथली हो सके, इसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। सुमित, ठीक है वासु, आप बने रहिए हमारे साथ। राजधानी रायपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं उसे हम जानने के लिए सीधे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक, पहले 4 जनवरी को होना था लेकिन उससे पहले ही सरकार के निर्देश के बाद इसे आज से ही शुरू किया गया है। राजधानी रायपुर में कौन कौन से पॉइंट बनाए गए हैं ड्राई रन के लिए, क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप वहां पर? सुमित, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 6 जिलों में ये तैयारियां हैं ड्राई रन की। और जहां तक राजधानी रायपुर की बात है तो राजधानी रायपुर में एक स्कूल बनाया गया है जहां पर ये ड्राई रन होना है, सरस्वती कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पुरानी बस्ती का, जहां पर ये यहां पर ड्राई रन आज होना है। पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर इस बात को परखा जाएगा यहाँ पर कि जब ड्राई रन चालू होगा और टीके रखने के लिए कोल्ड चेन किस तरीके से काम कर रही है। सबसे प्रमुख होगा कोविन ऐप जो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, उसमें एंट्री प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, उसमें एंट्री शुरुआत टीका शुरू करने से पहले करनी है, टीका खत्म होने के बाद करनी है, ये बहुत अहम पड़ाव है जिस पर खास तौर पर ध्यान देने की ट्रेनिंग इसमें दी गई है। उसके अलावा जो वॉलेंटियर्स हैं, जो लगवाने वाले लोग हैं, उनको कितना समय लग रहा है, उनको लगने के बाद कितना देर बाहर बैठाया जाना है, कितना देर वेटिंग रूम में रखना है, एक व्यक्ति को टीका लगने में कितना समय लगना है, ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिसको खास तौर पर परखने के लिए ड्राई रन यहां पर हो रहा है। 10 बजे से ड्राई रन यहां पर शुरू करने का समय रखा गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सुमित और 10 बजे लगभग ये शुरुआत इसकी हो जाएगी। बड़ा अहम ये ड्राई रन इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत जो ये टीका अभियान चला रहा है दुनिया में अब तक का शायद सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान होगा, और अगर भारत में ये सफल होता है तो पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है। इसके बाद पूरी दुनिया के दूसरे देश भी इस तरीके को अपना सकते हैं, इसीलिए इस ड्राई रन पर ना सिर्फ प्रदेश देश बल्कि पूरी दुनिया की भी निगाह है कि किस तरीके से भारत इस पूरे इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरा करता है। बिल्कुल, जो हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम होगा वो किसी जंग से कम नहीं है और जंग से पहले जो अभ्यास होता है वो हमारे देश में शुरू हो चुका है। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी हम तक।